हारी ना वाल है ना क्रिस्पी। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों, खस्ता करारी क्रिस्पी रुमाली रोटी खा लो, मसाले वाली चटकारे लेकर दौड़े चले आओ, भागे चले आओ, रुमालिया रोटी खा लो, आ जाओ आ जाओ फ्रेंड्स, क्रिस्पी मसाला रोटी खा लो। बहुत अच्छी रोटी बनी है, मम्मी ने बहुत अच्छी रोटी बनाई है। आप भी अपनी मम्मी से कहना, मम्मी हम तो क्रिस्पी मसाला रोटी खाएंगे। बहुत ही बढ़िया लगी है, बहुत ही टेस्टी है। मैं संतोष देवी प्रियंका नॉलेज बैंक में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों, आप सबको ढेर सारा प्यार और मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, आनंदमय कुशल से होंगे। तो आज हम आप सबके लिए बना रहे हैं खस्ता करारी रुमाली रोटी। तो क्या बना रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों? खस्ता करारी क्रिस्पी रुमाली रोटी। ये खाने में बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही टेस्टी लगती है और बनाना भी आसान है। इसे देखते ही मुँह में पानी आ जाएगा और खाते ही आनंद आ जाएगा। तो देर किस बात की मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों, चलिए बनाते हैं हम झटपट। चलिए अब आटा मल लेते हैं। एक कप गेहूं का आटा और एक कप मैदा लेंगे। एक कप गेहूं का आटा, एक कप मैदा। अब इसे छान लेते हैं। थोड़ा सा नमक मिला लेते हैं। ये 4 चम्मच देसी घी है। अब आटे में डाल देते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक सॉफ्ट आटा तैयार कर लेते हैं। थोड़ा रोटी बनाने से टाइट आटा मलेंगे। दस मिनट के लिए आटे को उठाकर रख देते हैं। अब ढक्का रख देते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं। अब आटे में और हाथ मार लेते हैं। थोड़ा सा हाथ को चिकनाई लगा लेते हैं। हाथ को थोड़ी सी चिकनाई लगा ली है। बहुत सॉफ्ट आटा हो गया है। गैस को जला देते हैं। अब गैस पर भारी तले की गहरी कढ़ाई को रख देते हैं। अब गैस पर कढ़ाई को उल्टी करके रख देते हैं। अब आटे का रोल बना लेते हैं। जितने साइज की हमें रोटी बनानी है उतनी बड़ी हमें लोई तोड़ लेनी है। पहले 4 रोटी बना लेते हैं। अब इसे पतला बड़ा बेल लेना है। अब इस पे हमें जरा सा पलोथन लगा देना है। ये मैदा लगा रहे हैं हम। रोटी को आप जितना पतला बेल सकते हैं उतना पतला बेल लेना। ये पतली ही रोटी ज्यादा बढ़िया बनेगी, मोटी रोटी बढ़िया नहीं बनेगी। ये देसी घी है। अब कपड़े को हम इसमें डिप कर लेते हैं।
अब इस कढ़ाई पर लगा देते हैं। अब चलिए कढ़ाई पर रोटी डाल देते हैं। थोड़ी देर सिकने के बाद रोटी को पलट देते हैं। दो सूती कपड़ों की सहायता से इतने मेरी बिटिया रोटी को दबा दबा कर सेक लेती है, इतने हम दूसरी रोटी बेल लेते हैं। चलिए बिटिया रोटी को दबाओ। ध्यान रखना है, विशेष ध्यान रखना है, जब रोटी सिके तब गैस को धीमी रखना है। इसी तरह से सारी लोइयों को बेलकर कढ़ाई पर सेक कर तैयार कर लेते हैं। अब रोटियों पे लगाने के लिए मसाले तैयार कर लेते हैं। अब मक्खन में थोड़ा सा जीरा डाल लेते हैं, भुना जीरा। थोड़ी कश्मीरी लाल मिर्च, चाट मसाला। मसाले मिलाने से पहले मक्खन को हमने हल्का सा गर्म कर लिया। थोड़ा काला नमक, तो रोटियों पर तो मक्खन लगाएंगे। मक्खन में मिला मसाला लगाएंगे, दो रुपये सौंठ लगाएंगे। चलिए एक और लगा लेते हैं, एक रोटी को लगा लेते हैं। अब दो पे सौंठ लगा लेते हैं। आप अपने मनपसंद के फ्लेवर लगा सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों, खस्ता करारी क्रिस्पी रुमाली रोटी बनकर तैयार है। रोटी बहुत ही अच्छी बनी है, बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। दो पे हमने मसाला लगा दिया है, दो पे हमने सौंठ लगा दी है। आप अपने मनपसंद के फ्लेवर लगा सकते हैं। तो चलिए आपको हम एक रोटी तोड़कर दिखाते हैं। चलिए एक रोटी आपको तोड़कर दिखाते हैं। आ रही ना आवाज, है ना क्रिस्पी? मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों, खस्ता करारी क्रिस्पी रुमाली रोटी खा लो, मसाले वाली चटकारे लेकर दौड़े चले आओ, भागे चले आओ, रुमालिया रोटी खा लो, आ जाओ। और अब रोटी का स्वाद ले लेते हैं, क्रिस्पी करारी रुमालिया रोटी का। मम्मी, ये रुमाली रोटी तो बहुत ही क्रिस्पी लग रही है।
बिटिया आपको कैसे लगी रुमाली रोटी? बहुत ही क्रिस्पी, मजा आ गया। बहुत ही बढ़िया लगी है, बहुत ही टेस्टी है, करारी, कुरकुरी, क्रिस्पी मसाला रुमाली रोटी बहुत ही अच्छी बनी है। मम्मी ने बहुत अच्छी क्रिस्पी रोटी बनाई है। आप सब भी इसी तरह की रोटी बनाना, खाना, खिलाना और अपना अनुभव प्रियंका नॉलेज बैंक पर शेयर करना। प्लीज बोलना नहीं, कंजूसी मत करना, अपने दोस्तों पे शेयर करना, अपने मित्रों को शेयर करना, अपनी सहेलियों को भी शेयर करना, अपने प्रियजनों को भी शेयर करना। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों, हमारे चैनल के सदस्य जरूर बनना, हमारे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, हमारा हौसला इसी तरह से बढ़ाते रहना। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। खुश रहो, आनंदित रहो, बाय बाय।